देखिए, महाजनसंपर्क अभियान 2024 में महासमर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाविजय मिले, इसके लिए संपर्क का अभियान चलता है और बहुत सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, पूरे देश की 543 लोकसभा क्षेत्रों में चल रहा है। और पीडीए का मतलब मैंने कल बताया था कि श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद है, डी फार दंगा कराओ है और ए फार अपराधियों का साथ देना है। तो इनका पीडीए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के लिए नहीं, गुंडागर्दी को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए है, कानून व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करने के लिए है। ये सराफत की राजनीति छोड़ चुके हैं और यह जो इनका सर्वोच्च था 2019 के लोकसभा में था और 2022 के विधानसभा में था, अब सपा समाजवादी पार्टी होगी। सर, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सब लोग इसमें नहीं, सारे लोग एकत्र हो जाएं और जो बचे हों वो भी एकत्र हो जाएं, लेकिन खिलेगा कमल और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये देश की जनता ने तय किया है, भाजपा ने नहीं तय किया। जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता ने तय कर दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे और जब रिजल्ट आया तो 283 सांसद जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, ये सारे लगभग एक हो गए थे और सबके एक होने के बाद भी हम 303 विधायक केवल कमल के फूल पर जीते, फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। और ये तीसरी बार फिर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको रोक देगी कि जो देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं आए, वह उस संसद के भवन के अंदर जो सांसद बनकर के बैठने का अधिकार है उन्होंने उसी दिन अपना गंवा दिया था। इसे जनता की नजर में जो विपक्ष है मुद्दा विहीन है, नेता विहीन है, कोई विजन नहीं है, कोई गरीब किसान मजदूर का मुद्दा नहीं, नौजवान का मुद्दा नहीं है, देश की सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का मुद्दा नहीं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का मुद्दा नहीं। सर, एक आखिरी सवाल इसके साथ ही जो धर्मगुरु है, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, शिया धर्मगुरु हो, उन्होंने इसका विरोध किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ये बात कही है कि देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों को हमेशा से अपेक्षा रही है कि इसे लागू किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक मुद्दा है। हम जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे तब भी और जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं तब भी, चाहे वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण कराने का हो और चाहे सामान्य नागरिक संहिता का मामला हो, हमारे वैचारिक मुद्दों के छत के नीचे जो इसका विरोध करते थे, चाहे नाटक करके ही आधे मन से ही उनको आना पड़ा, उनकी विचारधारा फेल हो गई, भाजपा की विचारधारा जीत गई। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है और इस पर डटे हुए हैं और आने वाले समय में वह भी दिन देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है, देश का भी विश्वास।